चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकार का पुकारती माँ भारती, देश है पुकार का पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकार का पुकारती माँ भारती, देश है पुकार का पुकारती माँ भारती। छोड़ कर धरा पकोड़े आसमां की काली माँ, जगा दे सुपर भात को जगा दे अपनी लाली माँ, छोड़ कर धरा पकोड़े आसमां की काली माँ, जगा दे सुपर भात को जगा दे अपनी लाली माँ। तेरी शुभ कीर्ति, तेरी शुभ कीर्ति विश्व को है तारती, देश है पुकार का पुकारती माँ भारती। स्वागतम तेरी है नाता चुपका होगा, बड़ा बात तू
forever in the history. It is the day when our constitution came into force on 26th of January in 1950. Republic means the supreme power of the people. India got independence on 15th of August in 1947 from British rule. We all should feel proud to be an Indian and admire our fortune that we took birth on the land of independence. सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलोटा और करहंस की टीम के बीच होगा, तो आप सभी और भारतीय आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप आ जाए जनपद, जो बाहर से गणमान्य व्यक्ति आए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आ जाओ भी आप भी आ जाओ, प्रेम आ जाओ। उसके बाद पूजा टेंथ से है, पूजा अनीता आ गई, इनको दे दो जी, बारी बारी से इधर भी दे दो जी, इधर भी दे दो, इधर देते रहो, इसे भी देते हो। उसके बाद है भावना 11 से, भावना मतलब लोगों का तंत्र, मतलब एक ऐसा देश, एक ऐसे देश में हम सांस ले रहे हैं, सुकून की सांस ले रहे हैं, जो इस तरीके से बनाया गया है, उसका संविधान ऐसे बनाया गया है जो सिर्फ लोगों का है, लोगों के लिए ही है और लोगों ने ही इसे चुना है। तो आप सभी भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे देश में इस समय पर हमारे वाली जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है, हमें पढ़ने का मौका मिलता है, सरकार हमें हर तरीके से सहयोग देती है, बस जरूरत है इस मौके का फायदा उठाने का, इस अवसर का फायदा उठाने। चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ जो बुलाया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि जो गणतंत्र दिवस हम 17वां मना रहे हैं जी, देश के जो महान पुरुषों ने अपना योगदान इस देश को बलिदान करने में दिया है, उन सब को नमन करते हुए जो हमारे बच्चे हैं उनको ये पता लगना चाहिए कि हमारे महान पुरुषों ने बहुत यातनाएं सहन करके, बहुत कष्ट सहन करके, हमारे वीरों ने अपने जीवन का बलिदान करके इस देश की आज़ादी को पाया है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने
कितने बुद्धि से अपनी टीम के साथ देश के संविधान को लिखा, जिसमें करीब मैंने बताया 2 साल 11 महीने और करीब 19 दिन का समय लगा। तो बच्चों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा आगे बढ़ें और समाज सेवा में आगे बढ़ते हुए खेलों में और पढ़ाई में अपने देश का नाम रोशन करें, क्योंकि आज का जो माहौल है बहुत बेरोजगारी का माहौल है। हम बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं, मैंने कहा भी है कि आप बिल्कुल। तो क्या कुछ जो है योगदान रहा सर आपका? हमारा तो योगदान इनके साथ बना ही रहता है, हमने थोड़ा सा बच्चों के हौसला बचाई के लिए यहाँ पे थोड़ा जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो पूरी लगन से खेलों में, पढ़ाई में आगे बढ़े, अपना भविष्य उज्ज्वल करें और राष्ट्र को